हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउटनट। स्वागत है आप सबका डाउटनट की सोशल साइंस की क्लासेस में। मैं हूं अनुष्या, आपकी सोशल साइंस टीचर। एंड कैसे हैं मेरे सारे क्लास 9th के बच्चे? सो आप बच्चों को पता ही है, टर्म 2 की आप बच्चों की तैयारी हमने स्टार्ट करा दी है। और लास्ट वीक हमने हिस्ट्री से शुरुआत करी थी, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे हिस्ट्री से थोड़ा एक्स्ट्रा डरते हैं। तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। बेसिक इंट्रोडक्शन, रशिया के बारे में बेसिक चीज़ें हम लोग अपने पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे, रशियन रेवोल्यूशन के सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक को और इन डिटेल समझेंगे। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा, कोई बात नहीं, अब भी आप देख सकते हो। जिन बच्चों ने देख लिया, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसी चैप्टर को। सो आज के क्लास में हम लोग काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। मैंने आप बच्चों को पहले भी बताया था कि जब इस चैप्टर में रशियन रेवोल्यूशन वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। एंड इनफैक्ट वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है ये आपके हिस्ट्री के बुक में। सो आज के क्लास में हम लोग ब्लडी संडे क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है। साथ ही साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रशिया के पर्स्पेक्टिव से समझेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से रशिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, और फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ये क्या होता है वो भी आप बच्चों को आज के क्लास में बता दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जितने भी मेरे क्लास 9th के बच्चे अभी हैं, जल्दी जल्दी लाइक कर दो और शेयर करो, सारे स्टूडेंट्स को बताओ कि यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो सो आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। वैसे तो मेरे सारे बच्चे जानते ही हैं मुझे, जो बच्चे नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं अनुष्या मैम हूँ और सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स आप लोग मेरे साथ कवर करते हो, ओके। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक को, ठीक है। सो ये बात है 1905 की, ठीक है। सो थोड़ा इमेजिन करो कहानी को कि हम लोग 1905 के रशिया में हैं, और वो टाइम पीरियड रशिया के लिए एक बहुत ही मुश्किल टाइम पीरियड था, ठीक है। अ टर्बुलेंट टाइम लिखा है ना, कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको, कोई भारी सा शब्द यूज किया गया, टर्बुलेंट टाइम दी 1905 रेवोल्यूशन, मतलब 1905 का जो टाइम पीरियड था वो रशिया के लिए एक थोड़ा डिफिकल्ट टाइम पीरियड था, ठीक है। और ये अंडरस्टैंडेबल है, क्यों अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि हम लोग क्रांति रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आप लोग खुद सोचो, ठीक है, इंडिया के नजरिए से समझते हैं, इंडिया में अगर सब कुछ बढ़िया चलेगा तो हम लोग कोई क्रांति नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट से कोई कंप्लेन ही नहीं करेंगे, है ना, हम सारे लोग खुश रहेंगे। पर अगर कल को इंडिया में अलग अलग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो क्या होगा, क्या पता कोई क्रांति भी हो जाए, हम लोग अपने गवर्नमेंट को और ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगेंगे। तो अगर रशिया में कोई रेवोल्यूशन हुई थी तो इसका क्या मतलब है, रशिया में ऐसा कुछ माहौल बना होगा, ऐसी कोई डिफिकल्टी होगी कि लोगों को लगा कि बस बहुत हो गया, अब तो हमें रेवोल्यूशन करना ही होगा, ठीक है। तो वो माहौल क्या था, वो बेस क्या था जिसके वजह से क्रांति स्टार्ट हुई, उन चीजों को हम लोग पहले समझना स्टार्ट करेंगे अभी आने वाले कुछ स्लाइड्स में, ठीक है। चलो तो पहला पॉइंट जो कि आप बच्चों को समझना है वो ये है कि रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, ठीक है, ऑटोक्रेसी वर्ड को याद रखना। तो उस टाइम पे बेटा रशिया का जो सिस्टम था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। और क्या होता है ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब जब एक इंसान के हाथ में ऑलमोस्ट सारी पावर आ जाती है, ठीक है। तो अगर कंट्री में किसी एक इंसान के हाथ में ऑलमोस्ट सारी पावर्स आ जाए, हम कहते हैं कि उस कंट्री में ऑटोक्रेसी चल रही है। तो रशिया में कौन था वो एक इंसान जिसके हाथ में सारी पावर्स आ गई थी, सार निकोलस टू, है ना, रशिया के राजा, जिनके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, आज के क्लास में भी उनके बारे में काफी कुछ डिस्कस करेंगे। तो रशिया में उस टाइम पे ऑटोक्रेसी चल रही थी, रशिया में जो कुछ भी करना होता था राजा अकेले सोच समझ के कर देते थे। ऑब्वियसली ये चीज रशिया के लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि देखो राजा रानी उस टाइम पे यूरोप में बाकी कंट्रीज में भी थे, पर बाकी कंट्रीज में साथ ही साथ पार्लियामेंट भी था, ठीक है, पर रशिया में रशिया के राजा पार्लियामेंट को रखने के लिए तैयार ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर पार्लियामेंट आ जाएगी तो पार्लियामेंट का क्या काम होगा, राजा के ऊपर नजर रखना, ये देखना कि राजा अपने पावर्स को मिसयूज ना करे, है ना। तो लोग कहते रहते हैं सार निकोलस टू से कि राजा प्लीज हमें रशिया में पार्लियामेंट रखने दो,
पर राजा बार बार मना कर देते हैं कि नहीं मुझे कोई पार्लियामेंट नहीं चाहिए, रशिया में पार्लियामेंट नहीं रहेगी, रशिया में ऑटोक्रेसी चलेगी, सिर्फ मैं अकेले पूरे रशिया को संभाल लूंगा। तो ये एक दिक्कत थी उस दौरान जो कि रशिया में चल रही थी। ठीक है, सो इतना समझ आ गया। पॉइंट वन याद रखना कि ऑटोक्रेसी थी, पॉइंट टू याद रखना कि जो राजा थे उन्होंने पार्लियामेंट रखना अलाउ नहीं किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 1904 के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1904 में क्या होता है, महंगाई अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। ठीक है, इस ईयर में रशिया के लोग एग्रीकल्चर भी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, तो फूड ग्रेन्स का भी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। इसी दौरान वर्कर्स एसोसिएशंस की मेंबरशिप भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। ठीक है, वर्कर्स एसोसिएशन क्या था, हमने डिस्कस करा था कि कई बार क्या होता है, मान लो पांच वर्कर्स हैं, ठीक है, पांच वर्कर्स ने क्या करा, आपस में मिलके एक ग्रुप बना लिया, और पांच वर्कर्स क्या करते हैं, अपने सैलरी में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट फंड में डिपॉजिट करते रहते हैं उस ग्रुप में। अब अगर उस पांच में से किसी एक वर्कर की नौकरी चली गई या फैमिली में कोई दिक्कत है, तो वो एक वर्कर क्या कर सकता है, फंड में से पैसे निकाल सकता है। ठीक है, तो ये वर्कर्स एसोसिएशन होता है, कुछ वर्कर्स ने साथ में मिलकर एक ग्रुप बना लिया। तो क्या होता है इस दौरान, क्योंकि सोसाइटी की सिचुएशन थोड़ी टफ थी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो वर्कर्स डर के मारे काफी सारे वर्कर्स वर्कर्स एसोसिएशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं इस दौरान। ठीक है, सो 1904 में क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है और वर्कर्स एसोसिएशन में मेंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि 1904 का जो टाइम पीरियड था, सब लोग फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं। ठीक है, कि राजा अकेले सब कुछ संभाल रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं बन रहा है, महंगाई बढ़ रही है, वर्कर्स एसोसिएशन में मेंबर्स बढ़ रहे हैं। इसी दौरान क्या होता है, ठीक है, फोर मेंबर्स, चार लोग होते हैं जो कि रशियन वर्कर्स ही होते हैं, इनको अपने कंपनी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, सो प्यूटिलोव आयरन वर्क्स ये कंपनी थी, एक इंडस्ट्री थी, ये लोग क्या करते हैं, अपने इंडस्ट्री में से चार लोगों को बाहर कर देते हैं। और जैसे ये चीज होती है ना, सारे वर्कर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि चार ही तो वर्कर्स थे, चार वर्कर्स को निकाल दिया, तो इसमें बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाली क्या बात है। पर ओवरऑल आप 1904 के सराउंडिंग को समझो, ठीक है, माहौल को समझो, सब लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोग राजा से परेशान है, इसी दौरान लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। तो हमारे जो रशिया के वर्कर्स हैं बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, और धीरे धीरे ये लोग सोचते हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, राजा के खिलाफ बोलना स्टार्ट करेंगे। तो अगले कुछ दिन क्या होता है, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, ये एक शहर का नाम है, मैंने आप बच्चों को बताया था रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, इन एरियाज में इंडस्ट्रीज थोड़ी ज्यादा थी। तो सेंट पीटर्सबर्ग के लोग क्या करते हैं, सारे लोग स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो अराउंड कुछ 1,10,000 वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, और स्ट्राइक में इन लोगों की मांग क्या थी, डिमांड क्या थी, कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारे वर्किंग आवर्स को कम करो, हमारा जो वर्किंग कंडीशन है वो सही करो। ठीक है, सो ये इन लोगों की डिमांड थी कि हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, पर वर्किंग आवर्स को आप लोग थोड़ा कम करो, ऐसा नहीं कि दिन रात काम करा रहे हो और सैलरी नहीं दे रहे, सैलरी हमारी थोड़ी ठीक करो और वर्किंग कंडीशंस को भी सही करो, ये इन लोगों की डिमांड थी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, इन इंडस्ट्री के लोग, जो भी लोग स्ट्राइक कर रहे थे, उनको एक लीडर मिलता है। ठीक है, और लीडर का नाम होता है फादर गैपॉन, और मैं यहाँ पे एक इमेज लेके आई हूँ फादर गैपॉन की, ताकि आप लोग थोड़ा और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, सो ये फादर गैपॉन है। ठीक है, तो फादर गैपॉन क्या करते हैं, वो वर्कर्स से बोलते हैं कि हम लोग जाके राजा से बात करके आते हैं। ठीक है, वर्कर्स परेशान थे, वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे, तो फादर गैपॉन क्या बोलते हैं, कुछ वर्कर्स से बोलते हैं कि हम लोग राजा से बात करके आते हैं। ठीक है, सो ये लोग, ये सारे लोग, फादर गैपॉन और उनके साथ कुछ वर्कर्स क्या करते हैं, राजा से मिलने जाते हैं विंटर पैलेस। ठीक है, विंटर पैलेस मतलब ये राजा के महल का नाम है, सुनने में बढ़िया सा लग रहा है ना, विंटर पैलेस राजा के महल का नाम था। तो क्या होता है, फादर गैपॉन के साथ
और भी बहुत सारे वर्कर्स जाते हैं विंटर पैलेस, और इनका प्लान होता है कि हम लोग शांति से आराम से राजा से मिलेंगे और राजा को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता के आएंगे। ठीक है, तो ये लोग पहुंचते हैं महल के बाहर और बोलते हैं कि हमें राजा से बात करनी है, और राजा पता है क्या करते हैं, राजा बात करने के लिए नीचे आते ही नहीं, राजा पुलिस से बोल देते हैं कि ये पता नहीं कौन लोग आ रखे हैं यहाँ पे मेरे से बात करने के लिए, इनको ज़रा जल्दी जल्दी भगा दो। और पुलिस जाती है वहाँ पे और इन लोगों को बहुत वायलेंट तरीके से भगाती है, बहुत मारपीट होती है, बहुत सारे लोगों को चोट लग जाती है, 100 वर्कर्स वर किल्ड, ठीक है, वर्कर्स को मार दिया जाता है, 300 के अराउंड जो वर्कर्स थे उनको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। ठीक है, तो इस इवेंट को रशियन हिस्ट्री में ब्लडी संडे कहा जाता है कि फादर गेपोन कुछ वर्कर्स के साथ राजा के साथ प्यार से शांति से बात करने के लिए गए, पर राजा ने उनकी बात ही नहीं सुनी, राजा ने पुलिस को वहां भेज दिया और पुलिस ने वर्कर्स को बहुत ज्यादा मारा, 100 लोगों के अराउंड लोग मर जाते हैं, 300 के अराउंड लोगों को चोट लग जाती है। इस इवेंट को हम लोग ब्लडी संडे कहते हैं। ब्लडी क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, खून बहा, संडे उस दिन संडे था इसलिए ब्लडी संडे कहा जाता है। और ब्लडी संडे का ये जो इवेंट है ना बेटा, आप इसे याद रखना, ठीक है, और थोड़ा रिलेट करो इंडिया के साथ, ठीक है, इंडिया के साथ रिलेट करो। अब इंडिया कहाँ से आ गया है यहाँ, इंडिया में याद है आपको जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था April 13, 1919 को, है ना, बहुत ही एक वायलेंट मैसेकर था जिसमें ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर ओपन फायरिंग कर देते हैं जलियांवाला बाग में सारे एग्जिट्स को बंद करके। तो ऐसा ही कुछ इंसिडेंट था ये रशियन हिस्ट्री के लिए। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि इतिहास दोहराता रहता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो ये उसी चीज़ का एग्जाम्पल है। रशिया में ये जो हुआ ये हमारे इंडिया में जलियांवाला बाग मैसेकर के बराबर था। कैसे? देखो, जलियांवाला बाग मैसेकर से पहले भी हमें पता था कि हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ही बुरे हैं, ठीक है, पर जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद हमें एक श्योरिटी मिल गई कि ब्रिटिशर्स तो इतने बुरे हैं कि ये बिना सोचे समझे हमारे ऊपर ओपन फायरिंग तक कर देंगे, है ना। तो कुछ सिमिलर चीज रशिया के लोगों के लिए थी ये। ब्लडी संडे से पहले भी रशिया के लोगों को पता था हमारे राजा बहुत ही बेकार हैं, पर ब्लडी संडे के बाद इन्हें एक श्योरिटी मिल जाती है कि हमारे राजा तो इतने बुरे हैं, इतने बेकार हैं कि ये बिना सोचे समझे अपने ही लोगों को पुलिस के थ्रू मार देंगे, ठीक है। सो जलियांवाला बाग के बाद हमारे इंडिया में क्या होता है, हमें और श्योरिटी मिल जाती है कि जल्द से जल्द ब्रिटिशर्स को बाहर करना है। ब्लडी संडे के बाद रशिया के लोगों को श्योरिटी मिल जाती है कि जल्द से जल्द इस राजा को यहाँ से हमें हटाना है, ठीक है। सो ये आप बच्चों को याद रखना है ब्लडी संडे के कंटेक्स में, ठीक है। चलो, तो ब्लडी संडे आ गया हमें समझ। अब नीडलेस टू से ब्लडी संडे इतना सीरियस इवेंट था कि जैसे ही ब्लडी संडे के बारे में रशिया के लोगों को पता लगता है लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हर जगह लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देते हैं। और स्ट्राइक बेटा ये लोग क्या कैसे करते हैं, अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज को बंद कर देते हैं, ठीक है, जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे आप जैसे, और जो कॉलेज के बच्चे थे वो लोग स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जो लॉयर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, जो इंजीनियर्स थे, मतलब सोसाइटी के जो भी पढ़े लिखे लोग थे, वेल एजुकेटेड लोग थे, वो लोग भी कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग साथ में मिलके यूनियंस बनाते हैं, यूनियन का मतलब आप ऐसे समझो ग्रुप बनाते हैं, और ये लोग एक नई डिमांड रखते हैं कि हमको क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे हमारे यहाँ पे था, अ ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, है ना। तो ये लोग भी कहते हैं कि बस बहुत हो गया, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए ताकि धीरे धीरे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े। तो धीरे धीरे अब यहाँ पे रशिया का माहौल ये हो गया कि लोग ओपनली स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमें राजा नहीं पसंद, हमें अपने सिस्टम को बदलना है, ठीक है। हर जगह स्ट्राइक्स चल रहे थे। अब 1905 के रेवोल्यूशन में क्या होता है, हम देखते हैं कि ब्लडी संडे से लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि हर जगह रशिया में स्ट्राइक्स होने लगते हैं। अब जब लोग इतना सीरियसली स्ट्राइक करने लगते हैं तो क्या होता है, जो राजा हैं वो डर जाते हैं, ठीक है। राजा को लगता है कि मैंने शायद कुछ गलत कर दिया,
मेरे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं, हर जगह स्ट्राइक्स चल रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और राजा क्या करते हैं, राजा बना देते हैं ड्यूमा। क्या है ये ड्यूमा, हमने पहले तो नहीं कभी सुना इस शब्द को। ड्यूमा मतलब पार्लियामेंट, ठीक है। तो रशिया में, रशिया के लोग अपने पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। तो अब आप लोग चैप्टर में जहां पर भी मुझे ड्यूमा बोलते हुए सुनो, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ड्यूमा मतलब अपना पार्लियामेंट, जिसको हम नॉर्मल पार्लियामेंट कहते हैं। तो अब क्या होता है, राजा को समझ आ जाता है कि लोग गुस्सा हैं, तो राजा लोगों को थोड़ा कंपनसेट करने के लिए, लोगों को ये फील कराने के लिए कि चलो कोई बात नहीं, आपकी भी बात सुनी जा रही है, राजा क्या करते हैं, पार्लियामेंट खोल देते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं, क्योंकि लोगों की बहुत पहले से मांग थी कि हमको पार्लियामेंट चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ उस टाइम पे रशिया का जो पार्लियामेंट था ऐसा दिखता था, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, उस टाइम की इमेज है, तो आप लोग थोड़ा आइडिया लगाओ। यहाँ पे सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ बीच में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। सो ये ड्यूमा है रशिया का उस टाइम का। चलो, तो अब राजा कहते हैं कि चलो आप लोग स्ट्राइक करना बंद करो, मैं ड्यूमा बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, लोगों को लगा कि ठीक है, बढ़िया है, स्ट्राइक का कुछ तो फायदा हुआ, राजा ने हमारी बात सुन ली, ड्यूमा बन रहा है। पर अब इस ड्यूमा के साथ भी ना काफी सारी दिक्कत थी। फॉर एग्जाम्पल, राजा क्या करते हैं, पहला ड्यूमा बनाते हैं, ठीक है, लोग स्ट्राइक कर रहे होते हैं, पहला पार्लियामेंट, फर्स्ट ड्यूमा बनाते हैं, पर इस फर्स्ट ड्यूमा को 75 डेज के अंदर बंद कर दिया जाता है, ठीक है। 75 डेज के अंदर राजा खुद ही बनाते हैं पार्लियामेंट, खुद ही डिसमिस कर देते हैं कि नहीं, मुझे पार्लियामेंट नहीं चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, एक दूसरा ड्यूमा बनाते हैं, ठीक है, पहला बनाया उसे 75 डेज में हटा दिया, फिर एक दूसरा ड्यूमा बनाया। अब इस दूसरे ड्यूमा के साथ क्या होता है, 3 months के अंदर, 3 महीनों के अंदर इस सेकेंड ड्यूमा को भी हटा दिया जाता है, ठीक है। पहला ड्यूमा हमने समझ लिया, पहले ड्यूमा को हटा देते हैं 75 डेज में, उसके बाद दूसरा ड्यूमा बनाते हैं जिसको 3 months के अंदर अंदर राजा हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, 2 ड्यूमा तो हटा चुके हैं, अब राजा क्या करते हैं, एक थर्ड ड्यूमा बनाते हैं, ठीक है। तो इस थर्ड ड्यूमा के साथ क्या होगा, इसे भी हटा दिया जाता है क्या। चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको वो भी पता चल जाएगा। अभी के लिए आप ये समझो कि राजा बार बार ड्यूमा को हटा क्यों रहे थे। हटा इसीलिए रहे थे क्योंकि ड्यूमा का काम क्या है, राजा के ऊपर नजर रखना, और अगर ड्यूमा के लोग राजा के ऊपर नजर रखेंगे तो राजा की पावर ऑब्वियसली कम हो जाएगी। राजा को सोच समझ के, लोगों से पूछ के डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो इसलिए राजा को ड्यूमा पसंद नहीं था। तो इस बार क्या करते हैं, 2 ड्यूमा हटा चुके हैं, एक तीसरा ड्यूमा खोलते हैं राजा, और इस थर्ड ड्यूमा में राजा सिर्फ अपने सपोर्टर्स को रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो राजा के खिलाफ पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उन सारे लोगों को तो हटा ही दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि लिबरल्स, रेवोल्यूशनरीज, ऐसे जो भी लोग थे जो राजा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते थे, उनको राजा ड्यूमा में नहीं रखते, और सिर्फ राजा अपने सपोर्टर्स को, कंजर्वेटिव्स को, रॉयल फैमिली के लोगों को रखते हैं थर्ड ड्यूमा में, ठीक है। पहला ड्यूमा 75 डेज में हट गया, सेकेंड ड्यूमा 3 months के अंदर हटा दिया जाता है, और ये जो तीसरा ड्यूमा है इसमें राजा, तीसरा ड्यूमा बनाते तो हैं पर राजा इसमें सिर्फ अपने सपोर्टर्स को रखते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां तक हमने काफी सारे टॉपिक्स को समझ लिया है। सबसे पहले हमने कवर करा ब्लडी संडे, ठीक है, ब्लडी संडे क्या था वो समझ लिया हमने, और फिर हमने ये समझा कि कैसे राजा फाइनली ड्यूमा बना रहे हैं, पर ड्यूमा भी कैसा बन रहा है, बना रहे हैं, कभी हटा रहे हैं, अपने लोगों को जानबूझ के ड्यूमा में डाल रहे हैं, ठीक है। सो अभी और आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले एक छोटा सा क्विज रख लेते हैं ताकि आप लोगों का भी मतलब एक रिविजन हो जाए कि यहाँ तक हमने क्या क्या कवर करा है। आगे बढ़ने से पहले जितने भी मेरे बच्चे क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ कि हम लोग हिस्ट्री टर्म 2 की तैयारी यूट्यूब पर कर रहे हैं। चलो, तो रेडी हो जाओ सारे बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम अपना क्विज। पहला क्वेश्चन है आप बच्चों का, व्हाट वर द डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स एट सेंट पीटर्सबर्ग हु वेंट ऑन स्ट्राइक।
ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग के जो वर्कर्स हैं, जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे, उनकी डिमांड क्या थी, उनकी मांग क्या थी? ऑप्शन ए रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, ऑप्शन बी इंक्रीज इन वेजेस, ऑप्शन सी इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, या फिर अगर आपको लग रहा है कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूं, सोच लो आप लोग, ठीक है, कि वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में जब स्ट्राइक कर रहे थे तो उनकी डिमांड क्या थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। व्हाट वाज ड्यूमा, ठीक है, ड्यूमा शब्द का मतलब क्या है? ऑप्शन ए द इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, ऑप्शन बी द टाइटल गिवन टू सार, ऑप्शन सी द ग्रुप ऑफ रशियन रेवोल्यूशनरीज, या फिर अगर आपको लग रहा है कि तीनों के तीनों ऑप्शंस गलत हैं, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। ड्यूमा का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो, तो आंसर आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्या है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप बच्चों से क्या पूछा जा रहा है कि सेंट पीटर्सबर्ग में लोग स्ट्राइक क्यों कर रहे थे। ठीक है, स्ट्राइक इसलिए कर रहे थे क्योंकि पॉइंट वन, वो लोग चाहते थे कि उनके वर्किंग आवर्स कम हो जाए, बिल्कुल राइट है ये। नेक्स्ट, ये चाहते थे कि इनकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाए, ये भी सही है। नेक्स्ट, इन लोगों का कहना था कि हमारे वर्किंग कंडीशंस को ठीक करो। सो तीनों ऑप्शंस अगर राइट है तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस। ठीक है, जिन भी बच्चों के राइट आंसर्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम मेरे सारे आंसर्स राइट हैं, मुझे पता तो लगे कि मेरे बच्चे क्विज में राइट आंसर्स ला रहे हैं। ठीक है, अगर सारे आंसर्स राइट हैं, जल्दी से कमेंट कर दो नीचे कि मैम ऑल आंसर्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज ड्यूमा, ड्यूमा का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए द इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। जस्ट अभी मैंने आप बच्चों को बताया कि ड्यूमा नया शब्द है हमारे लिए, पर मतलब क्या होता है ड्यूमा का, रशिया के लोग अपने पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये आप बच्चों का क्विज था, जिन भी बच्चों के राइट आंसर्स हैं कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर गलतियां हो रही हैं कोई बात नहीं, अब समझ आ गया होगा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ऐसे तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं अलग आपकी क्लास रख सकती हूँ 3-4 घंटे के लिए, पर इतना टाइम हमारे पास है नहीं, हमें अपना टर्म टू का चैप्टर खत्म करना है। सो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को रशिया के नजरिए से समझेंगे कि रशिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या क्या चल रहा था। ठीक है, चलो, तो सारे बच्चे रेडी हो जाओ। उससे पहले मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट क्या थी। देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ईयर्स क्या थी। ठीक है, आप लोग बताओ, गेस करो कमेंट सेक्शन में, आगे मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगी। अभी के लिए आप इतना समझो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना बेटा दो टीम्स थी जो आपस में लड़ाई कर रही थी। ठीक है, वॉर है मतलब युद्ध है, युद्ध में ऐसा नहीं है कि बस दो कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, टीम्स थी। सो एक टीम को हम कहते हैं सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर की टीम में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ये तीनों कंट्रीज साथ में एक टीम थी। और दूसरी टीम को हम लोग कहते हैं एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स की टीम में आपका फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और बाद में इटली, रोमेनिया, ये सब ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये दोनों टीम्स आपस में लड़ रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, वैसे तो मेरे बच्चों ने बता ही दिया होगा कॉमेंट सेक्शन में, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, 1914 से लेके 1918 टाइम पीरियड था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट रहा रशिया में। तो जब रशिया के लोग सुनते हैं ना बेटा कि वॉर होने वाला है, स्टार्टिंग में ये लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि बहुत बढ़िया है, वॉर करेंगे हम लोग, तो बहुत स्ट्रांग है, जल्द से जल्द हम लोग जीत जाएंगे, है ना, होता है ना, एक जोश रहता है, जैसे एग्जाम स्टार्ट होने के 2 महीने पहले आप बच्चों के अंदर जोश रहता है ना कि एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इस बार अच्छे से पढ़ाई करेंगे, टॉप करेंगे, सबको दिखा देंगे कि हम लोग ग्रेट हैं। तो वैसे ही रशिया के लोगों के अंदर एक जोश था कि हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एकदम मचा देंगे। ठीक है, लोग राजा को अचानक से सपोर्ट करने लगे थे कि राजा हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिताएंगे, बहुत मजा आएगा। अब जैसे जैसे वॉर का टाइम पीरियड आता है, जैसे जैसे ये लोग वॉर में फंस जाते हैं, ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं वॉर से,
राजा से भी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि राजा ड्यूमा की बात, पार्लियामेंट की बात बिल्कुल नहीं मानते थे। ठीक है, जैसा आप लोगों के साथ होता है, एग्जाम के पहले पहले तो बहुत जोश रहता है, जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे वो जोश कम पड़ने लग जाता है कि कब लास्ट एग्जाम आएगा, जल्दी से खत्म करते हैं इस एग्जाम को। तो ऐसा ही कुछ रशिया के लोगों के साथ था। पहले पहले बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ वॉर करेंगे, जीतेंगे, बाकी कंट्रीज को दिखा देंगे। धीरे धीरे वो सपोर्ट इनका कम होने लग गया। ठीक है, चलो अब इस दौरान पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया और जर्मनी आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, ये दोनों एनिमीज थे, दुश्मन थे, तो ऑब्वियस सी बात है रशिया के लोग जर्मनी के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। ठीक है, और ये हमें कैसे पता है, इन लोगों को इस हद तक नफरत थी कि इन लोगों ने अपने शहरों का नाम बदल दिया। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सेंट पीटर्सबर्ग, पता है हमें रशिया का जो शहर है, इनको लगा कि ये नाम थोड़ा सा सुनने में जर्मन नाम जैसा, तो ये लोग गुस्से में अपने शहर का नाम बदल देते हैं कि नहीं हमें ऐसा जर्मन नाम वाला शहर नहीं चाहिए, और नाम बदलने के बाद रखते हैं पेट्रोग्राड, शहर का नाम रख देते हैं, नया नाम रखते हैं पेट्रोग्राड। ठीक है, तो इस हद तक इन्हें जर्मनी से नफरत थी। अब इस दौरान क्या होता है, ये जो आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा है ये रशिया की रानी है, तो हमने राजा के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा, ये रानी है। ठीक है, सरीना अलेक्जेंड्रा इनका नाम था, एंड रानी के साथ पता है क्या दिक्कत थी, रानी शादी के बाद तो देखो रशिया में रानी बन गई, शादी से पहले राजकुमारी थी ये जर्मनी में। ठीक है, तो मतलब इनके ओरिजिन्स कहाँ के हैं, ये तो जर्मनी की हो गई, तो रशिया के लोगों को लगता था कि जब हमारी रानी ही जर्मनी की है तो राजा क्यों करेंगे जर्मनी के ऊपर अटैक, है ना। वर्ल्ड वॉर में रशिया और जर्मनी लड़ रहे हैं नो डाउट, पर रशिया के लोगों को लगता था कि जब हमारी रानी का घर ही जर्मनी है तो राजा क्यों करेंगे जर्मनी के ऊपर अटैक, है ना। तो इस वजह से लोग रानी को टारगेट करने लगे थे कि हमें अपनी रानी नहीं पसंद क्योंकि उनके अंदर जर्मन ब्लड है। अब इसी दौरान और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके वजह से लोग राजा रानी से नफरत करने लग जाते हैं। ठीक है, एक रीजन तो ये था ही कि राजा ड्यूमा को नहीं मान रहे, दूसरा रीजन हमने देखा कि रानी जर्मनी से है इसीलिए राजा रानी को लोग पसंद नहीं करते, तीसरा रीजन क्या था, तीसरे रीजन को मैं आप बच्चों को एक स्टोरी के साथ समझाती हूँ। सो एक बार क्या होता है बेटा, जो राजा और रानी है रशिया के, उनका एक बच्चा था। ठीक है, और वो बच्चा एक दिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। अब अगर बीमार पड़ गया तो राजा और रानी तो रॉयल फैमिली के हैं, वो तो किसी भी डॉक्टर से, बढ़िया डॉक्टर से ठीक करवा सकते हैं अपने बच्चे को, पर ऐसा होता नहीं है। रानी अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेके जाती हैं अपने बच्चे को, पर बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं होता। ऐसे में रानी को सुनने में आता है कि एक बहुत ही टैलेंटेड मॉन्क है। ठीक है, मॉन्क मतलब आप ऐसे समझो सन्यासी टाइप का एक इंसान है। ठीक है, उसका नाम था रास्पुटिन, और रास्पुटिन फेमस था कि रास्पुटिन के पास आप किसी को भी लेके जाओ, किसी बीमार इंसान को लेके जाओ, वो अचानक से उस इंसान को ठीक कर देगा। ठीक है, तो रानी सोचती है बढ़िया है, रानी ऐसे ही अपने बच्चे को रास्पुटिन के पास लेके जाती है। रास्पुटिन की एक इमेज थी कि वो हर बीमार इंसान को सही कर देता है, उनको जादू टोना आता है, ये सब रास्पुटिन की एक इमेज थी। और किस्मत से रास्पुटिन सही में बच्चे को ठीक भी कर देता है, और यहां से रॉयल फैमिली का विश्वास रास्पुटिन के ऊपर कुछ ज्यादा ही बन जाता है। ठीक है, क्योंकि रास्पुटिन ने राजा और रानी के बच्चे को ठीक कर दिया। ठीक है, तो ये कहानी चल रही होती है, जैसे ही बच्चा ठीक होता है राजा और रानी रास्पुटिन के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगते हैं, इतना ज्यादा विश्वास करने लग जाते हैं कि रशिया में डिसीजन लेने से पहले रास्पुटिन, ठीक है रास्पुटिन है, रास्पुटिन से एडवाइस ली जाती थी। अब रास्पुटिन के साथ दिक्कत क्या है, राजा और रानी रास्पुटिन को बढ़िया मानते हैं, पर रशिया के लोग रास्पुटिन से नफरत करते हैं। रशिया के लोगों का क्या मानना है कि रास्पुटिन तो एक मतलब सन्यासी है, जादू टोना करता है, उससे पूछ के कंट्री को क्यों चलाया जा रहा है। ठीक है, एक मतलब सन्यासी से, मॉन्क से पूछकर क्यों कंट्री के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। और काफी सारे लोग रशिया में ये भी मानते थे कि रास्पुटिन ने क्या कर रखा है, जादू टोना करके राजा और रानी को वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो उस टाइम पे बेटा इस टाइप के पोस्टर्स बनाए जाते थे, इस पोस्टर को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या चल रहा है इसमें, ये रास्पुटिन है और रास्पुटिन के एक हाथ में राजा है रशिया के, दूसरे हाथ में रानी है,
तो जैसे कठपुतलियां होती है ना, पपिट्स, जैसे पपिट्स को संभालते हैं, तो इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि रास्पुटिन पपिट्स की तरह रशिया के राजा और रानी को संभाल रहे हैं। ठीक है, तो इन कुछ रीजंस के वजह से हम देखते हैं कि लोग राजा और रानी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, ये याद रखना। चलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा और समझते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना अलग अलग एरियाज में लड़ाई करने का तरीका अलग था। ठीक है, तो ये मैं आप बच्चों को थोड़ा मैप के थ्रू समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे आपको यहाँ बीच में कुछ कंट्रीज दिख रही होंगी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, ओटोमन एम्पायर, मतलब टर्की वाला जो एरिया है। ठीक है, तो ये सारे एक टीम में थे, जो ऑरेंज कलर में है वो एक टीम में थे, और बाकी जो रशिया, रोमेनिया, ठीक है, यहाँ पे ग्रीस, इटली, फ्रांस, यूके, जो भी आपको पर्पल में दिख रहा है ये अलग टीम में थे। ठीक है, और आपको जो भी वाइट कंट्रीज दिख रही है ना, जैसे यहाँ पे नॉर्वे है, स्वीडन है, यहाँ पे स्पेन है, ये सारी न्यूट्रल कंट्रीज थी। न्यूट्रल मतलब ये जो कंट्रीज हैं ये किसी की भी तरफ नहीं है, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग लड़ लो, हमें पार्ट ही नहीं लेना इस लड़ाई में। ठीक है, तो ये चल रहा था। तो अब हम समझते हैं कि कैसे वर्ल्ड वॉर अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से हो रहा था। ठीक है, ये जो एरिया ना बेटा, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न फ्रंट। ठीक है, ईस्टर्न फ्रंट, और ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ईस्ट लिख रही हूँ और यहाँ पे वेस्ट लिख रही हूँ। सो ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट, इन दोनों एरियाज में सोल्जर्स का लड़ाई करने का तरीका बहुत ज्यादा अलग था। ठीक है, वेस्ट में लोग क्या करते थे, वेस्ट में लोग ट्रेंचेस बना रहे थे, और ईस्ट में लोग कुछ नहीं बनाए थे, ट्रेंचेस नहीं बना रहे थे, नॉर्मल लड़ाई कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी। ठीक है, तो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, ये वेस्ट है, वेस्ट के लोग ट्रेंचेस बना के लड़ाई कर रहे थे। अभी ट्रेंचेस क्या है समझेंगे, अभी के लिए आप ये समझो कि ट्रेंचेस बना के लड़ रहे थे इसलिए वेस्ट के लोग ज्यादा मर नहीं रहे थे। ठीक है, ज्यादा डेथ नहीं हो रही थी। ईस्ट में ट्रेंचेस नहीं बनाए जा रहे थे इसलिए ईस्ट में बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी। ठीक है, चलो तो अभी हम जल्दी से ट्रेंचेस समझ लेते हैं कि ट्रेंचेस का क्या मतलब है। तो ट्रेंच बनाना मतलब ये एक तरीका है जिसके थ्रू मिलिट्री में लड़ाई करी जाती है। ट्रेंच बनाना मतलब जमीन को थोड़ा सा खोद लो। ठीक है, इतना खोद लो कि आप फिट हो जाओ जमीन के अंदर। तो जमीन को थोड़ा खोद लिया जाता है, सोल्जर यहाँ नीचे छुप जाते हैं, अपने गन को यहाँ ऊपर रख के सामने दुश्मन की तरफ फायर करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सामने वाले दुश्मन को भी मार दिया जाएगा, और सामने वाला दुश्मन यहाँ इस सोल्जर को मार ही नहीं सकता क्योंकि ये सोल्जर जमीन के अंदर है ना, छुपे हुए हैं। साथ ही साथ ये लोग क्या करते थे, यहाँ सामने वायर लगा देते थे। ठीक है, वायर लगाने का क्या फायदा है, कोई दुश्मन अचानक से यहाँ कूद के अटैक नहीं कर सकता क्योंकि सामने वायर लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेंचेस बना के लड़ाई हो रही थी, और यहाँ इन्होंने जो ये जगह खोद रखी है ना, यहाँ पे ये हर एक अरेंजमेंट को रख देते थे, जैसे अगर इनको गन्स चाहिए या फिर बुलेट्स चाहिए, सब कुछ यहाँ पे स्टोर कर दिया जाता था। ठीक है, सो ये इसे हम कहते हैं ट्रेंच बना के लड़ाई करना। तो हाँ, तो वेस्ट में क्या हो रहा है, लोग ट्रेंचेस बना के लड़ाई कर रहे हैं इसलिए काफी लोगों की डेथ नहीं हो रही। ठीक है, लोग बचे हुए हैं। ईस्ट में जो है लोग ट्रेंचेस नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है यहाँ इस एरिया में। ठीक है, और ये जो एरिया बेटा ये रशिया के बहुत पास है ना, रशिया के एकदम साइड में ही है ये वाला एरिया। तो रशिया के लोगों को क्या दिख रहा है कि ईस्टर्न फ्रंट में बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है वॉर में। तो अब रशिया का जो कॉन्फिडेंस था, जो इनिशियल कॉन्फिडेंस था कि हाँ लड़ाई करेंगे, सबको संभाल लेंगे, जल्द से जल्द वॉर खत्म करेंगे, वो कॉन्फिडेंस खत्म होने लग जाता है क्योंकि उनको दिख रहा है कि रशिया के पास बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो रही है। ठीक है, और बहुत सारे मतलब अगर एग्जैक्ट नंबर्स में आपको समझना है तो 7 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है 1917 तक। ठीक है, 1918 में तो वॉर खत्म होता है, उससे पहले 1917 में ही बहुत सारे लोगों की डेथ होने लग जाती है। ठीक है, सो अब क्या होता है, रशिया के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी लड़ाई चल रही थी, जैसे ये हारना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ही बहुत सारे लोगों की डेथ होने लग जाती है, रशिया के लोग एक आइडिया निकालते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, वापस रशिया के अंदर भागना स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, तो रशिया के सोल्जर्स वापस रशिया के अंदर भागना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इनका प्लान ये था कि रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, रशिया के लोग तो उस ठंड को संभाल लेते हैं, अगर बाकी सोल्जर्स पीछे पीछे इनके आए तो ये लोग रशिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, रशिया में ये लोग आराम से उनको निपटा देंगे, ये इनका प्लान था। तो सारे लोग रशिया के अंदर भागना स्टार्ट करते हैं और रस्ते में रशियन सोल्जर्स को जो भी खेत दिखता है, जो भी घर दिखता है, उन सबको ये लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? रशिया के सोल्जर्स अपने ही खेत को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? अगेन इनका प्लान ये था कि हम तो रशिया के सोल्जर्स हैं, हम लोग खेत में से जो मिल रहा है खा पी के आगे बढ़ जाएंगे और हम पीछे जो भी खेत बचे उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि अगर हमारे पीछे कोई हमारा दुश्मन आ रहा है तो वो सर्वाइव ना कर पाए। ठीक है, अगर हमारे पीठ पीछे कोई दुश्मन हमें फॉलो करते हुए आ रहा है तो वो कहीं से जिंदा ही ना बच पाए, ना उसको कोई खेत मिले, ना उसको कोई घर मिले जहां पे वो रुक पाए और अपने आप को थोड़ा रेस्ट दे पाए। ठीक है, तो इस प्लान के थ्रू सारे लोग रशिया के अंदर की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रशिया में चल रहा होता है। तो इस वॉर की वजह से बेटा रशिया में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ कि जर्मनी के लोगों ने क्या करा वॉर के दौरान। ठीक है, देख लो, यहाँ पे रशिया है और यहाँ पे जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी और रशिया आपस में लड़ रहे हैं वॉर में, और यहाँ पे बाल्टिक सी है। तो अगर रशिया के पास कोई भी सामान जाना होता था ना, तो पता है क्या होता था, उसको यहाँ से घूम के बाल्टिक सी से निकल के यहाँ तक पहुँचना होता था रशिया के पास। तो जर्मनी के लोग पता है क्या करते थे इस दौरान, जर्मनी के लोग बाल्टिक सी को ब्लॉक कर देते थे। ठीक है, रास्ता रोक लेते थे। तो अगर बाल्टिक सी को ब्लॉक कर लिया तो क्या होगा, यहाँ से कोई भी सामान रशिया के पास नहीं जा पाएगा और रशिया की कोई भी इंडस्ट्री अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया की इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि कोई भी सामान बाल्टिक सी से रशिया की ओर तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसी दौरान क्या होता है, इंडस्ट्री को काम कराने के लिए वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग वर्कर्स थे, जो भी हेल्दी वर्कर्स थे, उन सबको रशिया के लोग पकड़ के अपनी आर्मी में डाल देते हैं। क्योंकि देखो, अगर वॉर चल रहा होता है तो कंट्री की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि हमें वॉर जीतना है जैसे तैसे, है ना, यही प्रायोरिटी होती है। सो ये लोग क्या करते हैं, वर्कर्स को उठा के आर्मी में डाल देते हैं। तो अब इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री को सामान नहीं मिल रहा क्योंकि बाल्टिक सी ब्लॉक्ड है। पॉइंट टू, इंडस्ट्री में वर्कर्स नहीं है क्योंकि वर्कर्स को उठा के आर्मी में डाला जा रहा है। तो ये दिक्कत उस टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। थर्ड दिक्कत क्या थी, अगेन वॉर के दौरान हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि वॉर को जीतना है, सोल्जर्स का ध्यान रखना है। तो रशिया के पास अब फूड ग्रेन्स ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, क्योंकि एक तो खेती इनकी, एग्रीकल्चर इनका वैसे ही अच्छा नहीं चल रहा था, जो थोड़ा बहुत फार्मिंग चल रहा था उसको रशिया के सोल्जर्स खुद ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जितना भी थोड़ा बहुत इनके पास फूड ग्रेन्स बचा, उन फूड ग्रेन्स को इन्होंने पहले आर्मी के लोगों को दे दिया, क्योंकि वो लोग तो बेचारे लड़ाई कर रहे हैं, तो पहले उनको दे दिया कि आप लोग खा लो। ठीक है, तो अगर आर्मी के लोगों को फूड ग्रेन्स दे देंगे तो क्या होगा, जो नॉर्मल सिविलियंस हैं, जो बाकी लोग हैं रशिया के, उनको खाना नहीं मिल रहा था। तो इस दौरान खाने की कमी पड़ जाती है और खाने का जो फूड ग्रेन का जो प्राइस होता है, ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड का भी जो प्राइस होता है, बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ने लग जाता है और लोग स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस इमेज में आपको दिख रहा है कि कैसे इस टाइप में भीड़ लगती थी बेटा फूड शॉप के बाहर, ठीक है, बेकरी शॉप्स के बाहर। सो लोग यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमको खाना चाहिए, हमको फूड ग्रेन्स चाहिए। इस टाइम पे स्ट्राइक, रायट्स, ये सब होने लग जाते हैं रशिया में। ठीक है, तो ये कुछ माहौल है, फूड ग्रेन्स की कमी है, खाने की कमी है। इसी दौरान क्या होता है, धीरे धीरे अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का बेस बन चुका है। ठीक है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या है, जल्दी से समझ लेते हैं। तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, वैसे थोड़ा बहुत नाम से ही समझ आ रहा है, फेब्रुअरी के महीने में एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन करते हैं रशिया के लोग। उस रेवोल्यूशन के बारे में समझते हैं। तो समझने के लिए हमें पहले लोकेशन क्लियर आउट करना पड़ेगा कि ये रेवोल्यूशन होता कहाँ है। पेट्रोग्राड में शुरुआत होती है, ठीक है, पेट्रोग्राड में शुरुआत होती है रेवोल्यूशन की, और वहाँ पे एक नदी रहती है बेटा, रिवर नेवा। ठीक है, और रिवर नेवा जो है
उस नदी के राइट हैंड साइड में रिवर नेवा जो है वो शहर को डिवाइड कर रही होती है, ठीक है। सो रिवर नेवा के राइट हैंड साइड में सारी इंडस्ट्रीज, सारे वर्कर्स ये सब रहते थे, मतलब जो पुअर लोग हैं, जो परेशान हैं रशिया में, वो सब रहते थे। और रिवर नेवा के लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड में सारे रिच लोग रहते थे, ठीक है। फैशनेबल एरिया था वो, तो राजा का महल यहाँ था, पार्लियामेंट यहाँ था, सारे रिच और स्ट्रॉन्ग लोग लेफ्ट हैंड साइड रहते थे। तो ऐसे में पता है क्या होगा, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में अभी आप समझोगे कि जब भी लोग गुस्से में आ जाते थे, वर्कर्स गुस्से में आते थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग नदी पार करके राजा के महल के आगे पहुंच जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से फेब्रुअरी में रेवोल्यूशन होता है कि जैसे ही लोगों को गुस्सा आता है वो नदी पार करके राजा के महल के सामने पहुंच जाते थे, ठीक है। तो फेब्रुअरी में क्या हो रहा होता है बेटा, खाने की कमी तो थी ही, ये हमने डिस्कस करा, लोग बहुत परेशान थे, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था। इसी दौरान एक र्यूमर, ठीक है, एक अफवाह फैलने लग जाती है कि राजा शायद से ड्यूमा को हटा रहे हैं, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट को तीसरी बार हटा रहे हैं। तो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि ड्यूमा तो एक अच्छी चीज है, ड्यूमा को क्यों हटाया जा रहा है। तो लोग अब स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो 22 फरवरी की बात है, 22 फरवरी के अराउंड स्ट्राइक होने लग जाता है कि ड्यूमा को नहीं हटाना है, ठीक है। तो ये सारे लोग नदी पार करके जाते हैं राजा के महल के पास और स्ट्राइक करने लग जाते हैं। और इस दौरान ना बेटा, लड़कियों का, विमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था स्ट्राइक्स में। और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि फरवरी में, क्योंकि 22 फरवरी में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हुए विमेन के वजह से, तो उस दिन हम लोग इंटरनेशनल विमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि नहीं मैम, इंटरनेशनल विमेन्स डे तो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। उस टाइम रशिया के लोग पता है क्या करते थे, जूलियन कैलेंडर को फॉलो करते थे, और हम लोग जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, ठीक है। सो उनका जो 22 फरवरी है वो हमारे लिए 8 मार्च है। जैसे हमारे इंडिया में भी होते हैं ना, अलग अलग कैलेंडर होते हैं, इस्लामिक कैलेंडर होता है, हिंदू कैलेंडर होता है, तो वो लोग जूलियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, पर हम लोग जो जिन डेट्स को फॉलो करते हैं उसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। तो उनका 22 फरवरी हमारे लिए 8 मार्च हुआ, तो इसीलिए 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दौरान याद रखना बेटा, रशिया के लोग ये सारी चीज़ें खुद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे कोई पॉलिटिक्स है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकी मदद कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रशिया के लोग ये सारी चीज़ें खुद कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं थी, ठीक है। तो क्या होता है, ये लोग राजा के महल के सामने जाते हैं, स्ट्राइक कर रहे होते हैं, और राजा क्या करते हैं, कर्फ्यू लगा देते हैं। कर्फ्यू समझते हैं जैसे हमारे कोविड टाइम में होता है, ऐसा नहीं कह देते कि 10 बजे से पहले सबको घर चले जाना, ठीक है, वरना अगर पुलिस देखेगी तो आपको परेशान कर देगी। तो ऐसा ही कुछ रशिया में कह दिया जाता है कि शाम के इस टाइम से पहले सब लोग घर वापस चले जाओ, स्ट्राइक बंद कर दो, वरना हम लोग एक्शंस लेंगे। तो लोग डर के मारे, ठीक है, वापस चले जाते हैं घर। 24th और 25th को वापस आते हैं, ठीक है, पर ज़्यादा स्ट्राइक नहीं करते, घर चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पुलिस वहाँ पर थी। अब 25 फरवरी को क्या होता है बेटा, 25 फरवरी को राजा सही में ड्यूमा को हटा देते हैं, पार्लियामेंट को हटा देते हैं। अब जो लोग हैं, ठीक है, अब जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पहले हमारे पार्लियामेंट को हटा दिया 75 डेज में, फिर दूसरे हमारे पार्लियामेंट को हटाया, और अब हमारे तीसरे पार्लियामेंट को हटाया जा रहा है। तो अब लोग फिर से नदी पार करके जाते हैं, राजा के महल के सामने जाते हैं, इस बार अलग ही लेवल का स्ट्राइक करते हैं, पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हर बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं। और इस बार राजा फिर से क्या करते हैं, राजा पुलिस को भेजते हैं, पुलिस से कहते हैं कि प्लीज़ लोगों को संभाल लो, पर इस बार जो पुलिस है वो लोगों की साइड ले लेते हैं, ठीक है। पुलिस कहते हैं कि नहीं, इस बार राजा की गलती है, हमारे लोग सही में परेशान है, ड्यूमा को हटाना गलत था, फूड ग्रेन्स हमारे लोगों को नहीं मिल रहे वो गलत हैं। तो इस बार पुलिस फायरिंग नहीं करती लोगों के ऊपर, लोगों को परेशान नहीं करती, इनफैक्ट लोगों की साइड ले लेती है, और राजा से कहते हैं ये लोग कि आप गलत हो इस बार, ठीक है। तो बहुत सारे स्ट्राइक्स होने लग जाते हैं, और ये सारे जो लोग हैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं, वर्कर्स, जो पुलिसमैन हैं, जो लोगों की साइड हो गए हैं, ठीक है, ये सारे लोग मिलके एक सोवियत बनाते हैं।
सोवियत मतलब एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना एक काउंसिल बना लिया, तो रशिया में काउंसिल को सोवियत कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे लोग जो भी स्ट्राइक कर रहे थे, ये लोग साथ में मिलके एक सोवियत बनाते हैं और राजा से कहते हैं कि इस बार आप गलत हो, आप प्लीज कुछ सही करो। इस दौरान राजा को बहुत सारे लोग एडवाइस देना स्टार्ट करते हैं कि अब आपके पास अपनी पुलिस भी नहीं रही, उन लोगों ने भी आपके सिटीजन्स की साइड ले ली है। ठीक है, तो राजा को बहुत सारे लोग एडवाइस देना स्टार्ट करते हैं कि राजा आप अपने पोजीशन को छोड़ दो। और फाइनली 2 मार्च को राजा ये बात मान लेते हैं और राजा कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं अपनी पोजीशन छोड़ रहा हूँ, आज से मैं राजा नहीं हूँ। तो फाइनली फरवरी रेवोल्यूशन में हम लोग क्या देखते हैं, रशिया के लोगों ने अपने राजा को हटा दिया। अब आपको लग रहा होगा कि चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैम इतने टाइम से कह रही हैं कि रशिया में लोग राजा से परेशान थे, तो अगर राजा को हटा दिया तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं है। अभी और भी अलग अलग टाइप की रेवोल्यूशंस आएंगी आगे, तो उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी रेवोल्यूशंस होंगी, उसके बाद रशिया की कहानी खत्म होगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, ब्लडी संडे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फरवरी रेवोल्यूशन। अगर यहाँ तक आप बच्चों को क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, फीडबैक दो कि क्लास कैसी लगी, सब कुछ क्लियर है तो लिख दो ऑल क्लियर मैम, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में डाल दो। और मैं आप बच्चों को एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, जिन बच्चों ने क्लास में ध्यान से सुना है उन बच्चों को आंसर पता ही होगा। होमवर्क आपका ये है कि ब्लडी संडे और जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि हमारे इंडिया में हुआ था, ब्लडी संडे जो कि रशिया में हुआ था, इन दो इंसिडेंट्स के बीच में कोई एक सिमिलैरिटी ढूंढो, एक से ज्यादा भी अगर आप ढूंढ सकते हो बिल्कुल ढूंढो। ठीक है, कि ब्लडी संडे और जलियांवाला बाग मैसेकर में क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या चीजें सेम थी, और जब आपको आंसर मिल जाए सारे आंसर्स अपने कमेंट सेक्शन में डाल दो। ठीक है, सारे आंसर्स बताओ कि आपको क्या लगता है ब्लडी संडे और जलियांवाला बाग मैसेकर में क्या चीजें सेम थी। ओके, चलो तो अभी के लिए इतना ही करेंगे, पर आपकी रशिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे क्या होगा वो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, डाउटनेट के साथ। हम लोग नेक्स्ट वीक में इस टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने भी बच्चे अभी हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ कि इस चैनल पे हम लोग क्लास 9 टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अपने फ्यूचर लेक्चर्स में, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।